करनाल जिले के नेलोखेड़ी में 2 दिन पहले हुए भाजपा नेता एवं ज्वेलर्स तेजेंद्र बग्गा की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि यह हत्या सुपारी देकर कराई गई थी और सुपारी देने वाला पूर्व सरपंच विदेश में बैठा हुआ है, जिसे पकड़ने के पुलिस प्रयास कर रही है। करनाल के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया ने बताया कि नीलोखेड़ी में देर रात तेजेंद्र बग्गा की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तेजेंद्र बग्गा भाजपा नेता थे और ज्वेलर्स का कारोबार करते थे। आपसी रंजिश के चलते विदेश में बैठे राजपाल नाम के व्यक्ति ने बदमाशों को 4 लाख रुपए देने का वायदा कर यह हत्या कराई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को विदेश जाने के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसके चलते आरोपी ने भाजपा नेता की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि विदेश में बैठे राजपाल को पकड़ने का प्रयास चल रहा है और जल्द ही पुलिस इस कार्य में सफल हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी परसों शाम को करीब 6:30 बजे जो एक वारदात हुई थी नीलोखेड़ी में, अपना तेजेंद्र बग्गा जी जो ज्वेलरी की शॉप थी उनकी नीलोखेड़ी में, उनको दो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पे आके मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और फायर कर जो उनके ऊपर किया गया, जिससे उनकी परसों ही रात को मृत्यु हो गई। तो क्योंकि ये मामला सीरियस था, परसों से ही हमने अपनी सारी टीम्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस करनाल की, CIA की भी, और जो हमारा साइबर सेल है, बाकी जो टेक्निकल टीम्स हैं, सभी को इसी काम पे जो है लगे हुए थे। एक टीम की तरह सबने काम किया और लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी, जो ये पूरा जो मिस्ट्री थी, उसको क्लियर किया गया है। और इसमें एक लड़के को कल रात को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम नरेश है और ये असंध का रहने वाला है। इसको जब अरेस्ट किया CIA 1 की टीम ने, तो जो उसने डिस्क्लोज़ किया है उससे काफ़ी बातें जो है क्लियर हुई हैं। मुख्यतः जो इस मर्डर का मेन कॉन्स्पिरेटर था उसके बारे में पता लगा है, वो राजपाल जो एक्स सरपंच है संडीर गांव का, पिछले साल एक मुकदमे में वो बेल पे था, बेल जंप करके और इलीगल तरीके से वो USA में आजकल रह रहा है। वहीं से फ़ोन के माध्यम से सारी प्लानिंग करना और इन दो लड़कों को जो है तैयार करना, उनको गाइड करना, उनको वेपन जो है प्रोवाइड कराना और उनको 4 लाख रुपए में जो है इनकी अमाउंट तय हुई थी इस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सारी बातें अभी तक जो है इसके पूछताछ में क्लियर हुई हैं। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं अभी इसका पुलिस रिमांड हम सीक करेंगे और भी जो डिटेल्स हैं इसमें ली जाएगी। आज न्यूज के लिए करनाल से MS निर्मल।